नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मधेश। आइए रुक करते हैं मेरठ की कुछ खास खबरों की। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और स्वजन पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। नोटिस चस्पा होते ही कुर्की के डर से याकूब के घर से सामान खाली करने में जुटे रिश्तेदार। हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद प्रशासनिक मशीनरी को पक्ष में करने में जुटा याकूब। यूनिक एक्यूप्रेशर स्पा एंड सैलून सेंटर पर छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए 14 युवक युवतियों को जेल भेज दिया गया। SI की ओर से सेंटर संचालक समेत युवक युवतियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है कि एक महीने के बाद भी मेरठ में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी 10 रुपए प्रति लीटर इजाफे के बाद तेजी का सिलसिला रुक गया है। मेरठ के डफरिन जिला महिला अस्पताल ने कायाकल्प योजना में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। यूपी के सभी 75 जिलों में से मेरठ के जिला अस्पताल की थर्ड रैंक आना सम्मान की बात है। अस्पताल के चिकित्सकों के लिए शुक्रवार को अस्पताल में सम्मान समारोह भी हुआ। मेरठ और आसपास के जिलों में शनिवार को सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई। दिन में पारा के बढ़ने की आशंका है, वहीं अभी फिर से बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आंधी के चलते काफी नुकसान हुआ था। मेरठ की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज़।